अस्थाई जेल में एक बंदी ने की अपने जीवन की लीला समाप्त। मथुरा प्रशासन द्वारा बनाई गई अस्थाई जेल में बंदी ने लगाई फांसी। मथुरा हाईवे थाना क्षेत्र रतनलाल फूल कटोरी हाई सेकेंडरी स्कूल में जिला प्रशासन ने बनाई अस्थाई जेल में 40 वर्षीय वीरेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में शौचालय में फांसी लगने से मौत हो गई। जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि वीरेंद्र उर्फ वीरू 24 तारीख को बंद किया गया था। आज सुबह 9 बजे करीब शौचालय में वीरू ने फांसी लगा ली। वीरू के भाई ने बताया कि वह घरेलू परेशानी कारण परेशान चल रहा था। उसके ऊपर दो वारंट थे जिसमें 147, 148, 149, 307, 323, 504 IPC का वारंट था और दूसरा छेड़खानी संबंधित था 554, 342 और 307। आज यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे एक बंदी वीरेंद्र उर्फ वीरू, ये 24 तारीख को बंद हुआ था। सुबह लगभग 9 बजे के हेरफेर जो मुझे सूचना मिली है, शौचालय में फांसी लगा दी। सर क्या विषय रहा है, कौन था ये? अब अभी तो ऐसा कोई विषय क्लियर नहीं हो रहा है। जो उसका सगा भाई बंद है तो वो बता रहा है कि वो घरेलू परेशानी से ही परेशान था और वो उस पर नज़र भी रखे था, लेकिन अब वो शौचालय चला गया उसी में वहाँ उसने फांसी लगाने में सफल हुआ। तो भाई द्वारा कुछ बताया गया कोई परेशानी? भाई ने घरेलू परेशानी बताई। जेल तो अभी आया, उसको 24 तारीख तो हुआ है, कल ही इसको भेजा भी गया था कोरोना की जांच के लिए, कल ही जिला अस्पताल में लोग भेजे थे। सर क्या नाम था, किन धाराओं में था? वीरेंद्र उर्फ वीरू, पिता का नाम श्याम। दो वारंट है इसके ऊपर जिसमें 147, 148, 149, 307, 323, 504 IPC का वारंट है। चालानी थाना छाता ही है। दूसरा छेड़खानी संबंधित है 354, 342, 307।